अभी तक हम कैलाश यात्रा कर रहे थे, ये है कैलाश कुंड की यात्रा। जम्मू से आगे, भद्रकला से आगे, यहाँ पर एक पॉइंट पे आना जहाँ से ये यात्रा शुरू हो रही है, जिसको बोलते हैं बशोली फॉरेस्ट डिवीजन, और इस मेन जगह का नाम होगा छत्रगला, ऐसे कुछ बोर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ से ये यात्रा शुरू होगी हमारी आज की। चलो आज की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आ जाओ, बोले प्रसादा, बोले भंडारा, बोले हर हर महादेव। दोस्तों सुबह के 9 बजे का टाइम हुआ है और अभी हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं कैलाश कुंड के लिए। नीचे से कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। अगर आपको नहीं पता कि यात्रा किस पॉइंट से शुरू होती है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसको बताएंगे मोहित भाई। जय शंकर की। कैलाश कुंड यात्रा आने के लिए आपको आना होता है भदरवा। भदरवा से छड़ी यात्रा शुरू होती है और छत्रगला से एक ही दिन में यात्रा अप डाउन हो जाती है। यहाँ आने के लिए आपको जो रास्ता लेना है वो लखनपुर बॉर्डर वाला लेना है या बनी होते हुए आना है। हर हर महादेव। जो आप एक दिन की यात्रा करोगे ये यहाँ से शुरू होगी, एक दिन में आप अप डाउन कर सकते हो, 3 से 4 घंटे एक साइड के लगेंगे। और अगर आपको छड़ी के साथ जानी है तो भद्रवा से शुरू होगी और पूरे 3 दिन की यात्रा होती है। और रास्ता स्टार्टिंग में ही इतना खूबसूरत है, और अभी हम 3200 मीटर एल्टीट्यूड पे, और जो ऊपर कैलाश कुंड है वो अप्रोक्स 4000 मीटर एलिवेशन पे है, तो आज हमें 800 मीटर एलिवेशन गेन करना। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत रास्ते, बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ शुरू करते हैं। समय आपको बता दें, हमने शुरू करी है यात्रा 9 बजे से, और यहाँ अगर आप भदरवा भी आते हैं तो छत्रगला के लिए आपको टैक्सी, टेम्पू ड्राइवर आदि सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ एक छोटा सा भंडारा लगा हुआ है, भंडारा लीजिए। घोड़े की सुविधा है मात्र 1500 रुपये। भदरवा से यहाँ तक के कितने रुपए पर पर्सन है, अगर कोई बंदा अकेला रहा तो? 100 से 150 रुपये पर पर्सन। चल पड़े हैं यार। शंभो, वहां से इतनी दूर आ गए भाई, रास्ता मेन वो है, लेकिन हम सीधे शॉर्टकट आ गए यहाँ से। इतना खूबसूरत रास्ता देखो, मैं हो गया सोचा। अभी हम 400 मीटर चले हैं और 300 मीटर एलिवेशन गेन कर लिया है। यहाँ पे अभी हमें रास्ते में एक भाई मिले हैं जो यहीं से लोकल हैं, वो थोड़ा आपको यात्रा के बारे में बताओगे, यात्रा क्या महत्व है, यात्रा कब से शुरू होती है, क्योंकि हमें पता चला कि 3 दिन चलती है, लेकिन भाई आपको अच्छे से बताएंगे। हेलो भाई। हेलो जी, क्या नाम है आपका भाई? बबलू। कहाँ से भाई जी आप? भदरवा से। तो यात्रा के बारे में थोड़ा बताओ, रास्ते के बारे में, यात्रा में जैसे कोई पहली बार आना चाहे तो कैसे, क्या? पहली बार देखो जी, आप जो यात्रा है, यात्रा जो छड़ी आती है भदरवा से, वो चढ़ती है नाल्टी से ऊपर। कब चढ़ती है, कब वो चढ़ेगी? आज है 30 है, आज चढ़ेगी वो। ओके। कल पहुंचेगी डल पे। ओके जी। स्नान स्नून करके उसके बाद वो एक को आएगी वापस। ओके। तो ठीक है, उसके बाद वो वाला रास्ता जरा थोड़ा लेंथी होता है, 6-7 घंटे लगते हैं। जो ये है छत्रगला, छत्रगला तक आप गाड़ी में आ सकते हो, वहाँ से ऊपर आपको 4-4.5 घंटे लगते हैं, और रास्ता अच्छा है, ना कोई चीकड़ है ना कोई कुछ, यहाँ से आपको बेस्ट है। तो ऑफिशियली यात्रा 3 दिन की होती है, जैसे छड़ी ऊपर जाती है, रुकेगी और वापस आ जाएगी, तब तक ऑफिशियली यात्रा होती है। लेकिन अगर अनऑफिशियली कोई आना चाहे आगे या पीछे, आप आ सकते हो, लंगर वाले पहले चले जाते हैं, फोर्स ऊपर लगी हुई है, आप 20-21 से आप आ सकते हो ऊपर। ऊपर आपको टेंट मिल जाएंगे, शेड वगैरह मिल जाएंगे, आराम से आप रह सकते हो। बीच में कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, ऊपर ही बीच है। में नहीं, अभी आप यहाँ से निकलोगे छत्रगल, ये छतरी पहुँचोगे, छतरी में आपको भोजन मिल जाएगा। छतरी आधा रास्ता है पूरी? नहीं, आधा नहीं है,
थोड़ा कम है। ओके। हाँ, यहाँ से आपको कोई एक डेढ़ घंटा लगता है छत्रगला से छतरी तक पहुँचते हैं। तो जैसे ऑफिशियल यात्रा 3 दिन की होती है, लेकिन जो लंगर वाले है वे 1 हफ्ता 10 दिन पहले आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद में भी रहते होंगे। वो काम करना पड़ता है ना, टीन डालनी पड़ती है दोबारा से, क्योंकि बर्फ पड़ती है वो सब ढक जाता है, मंदिर भी छुप जाता है, तो उस वजह से वो पहले आते हैं। भोजन वगैरह भी मिल जाएगा आपको उधर, रहने की जगह भी मिल जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बबलू भैया, इस यात्रा का जो मेन महत्व क्या है, इस यात्रा के पीछे की जो कथा है वो क्या है? इसमें कथा ये है कि बताया जाता है जो गरुड़ थे, ठीक है, उनके इनके साथ जो वासुकी नाग थे इनके साथ बनती नहीं थी, कम बनती थी। इनका एक मित्र था, मित्र समझो एज ए भगत, भगत था जो, वो बहुत मतलब खतरनाक वाला भगत था। वो आके बैठ गया यहाँ पे डल पे, तो गरुड़ को पता चला कि कौन बंदा यहाँ पे बैठा हुआ। वो आए उससे पूछे, बोलते हैं मैं भगत हूँ इनका। तो बोलते हैं अगर तू भगत इतना ही है तो अपनी बॉडी के पीस कर। उसने अपने पार्ट्स निकालते निकालते वो उससे प्रसन्न हो गया, बोलते मैंने ऐसा भगत देखा नहीं आज तक। तो वहाँ से वो चले गए गरुड़। अच्छा, लड़ते रहते थे? नहीं तो लड़ते थे। उसके बाद क्या होगा कि उन वासुकी जी ने बोला कि पहले इनकी पूजा होगी उसके बाद मेरी पूजा होगी। और दूसरा ये है कि जो शिवजी हैं, शिवजी भी यहाँ पे बैठे हैं ना। अच्छा। तो वो आए वहाँ से, तो वासुकी नाग जी उनके गले में प्रवेश किया। फिर वो यहाँ से वासुकी जी, जो वासुकी जी हैं वो यहाँ पे बैठ गए, तो शिवजी जो हैं वो चले गए मणिमहेश। ये भी कहते हैं कि जैसे यहाँ पे पहले 3 दिन ऑफिशियली होती है तब यहाँ पे पूजा होती है, उसके बाद एज ए पिकनिक स्पॉट होता है, यहाँ पे लोग आते हैं। आप पिकनिक स्पॉट देखो ना, आप जा ही नहीं सकते ऊपर। ओके। अभी 10-15 दिन के बाद बर्फ लगेगी, ऊपर तो जड़ी नहीं पा। तो ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, बाद में नहीं होती है यही। ओके। अभी तो जैसे पुजारी भी 20 को पहुंच जाता है, ठीक है, 20 को वो अपनी पूजा करता है सुबह शाम। जो अब ये होती है जो मेन पूजा होती है, अब 3-4 दिन वो, फिर सुबह बंदा 4 बजे पुजारी उधर लग जाता है, पूजा शूजा होती है अच्छे से, बलि शली लगती हैं। अच्छा, बलिया बलि भी लगती है। आप यहीं से हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि लोगों के पास कभी कभी यात्रा का पता नहीं लग पाता। यात्रा से 10 दिन पहले तो आ सकते हैं, यात्रा के और कितने दिन आगे तक आ सकते हैं? यात्रा के आगे देखो आप, एक को तो यात्रा छड़ी चुची होगी वो चले जाती वापस, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 को जो बंदे होते हैं जो काम लंगर वाले, वो जो टेंट शेंट ने लगाए होते हैं, शेड बनाए होते हैं, वो बस 1-2 दिन काम चलता, वो पैक करके जो राशन बचता वो वापस चले जाता। तो 2-3 दिन और एक्स्ट्रा हम दो दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बस, उससे ज्यादा। बोल शंकर महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बिल्कुल खुला रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है, धूप निकल गई है हल्की हल्की। हम अभी 25% यात्रा करी है कंप्लीट, और हमें भदरवा से लोग मिले हैं, और चपाती बैगन की सब्जी इतनी मस्त है, कड़म का अचार, ओए होए होए होए, आ जाओ बोले, कड़म का अचार बोले, आ जाओ बोले। खाने खाने पे लिखी इतना बड़ा टिफिन लेके चल रहे हैं। इधर ही उसने मेला देखा, अच्छे तरीके से मेला इधर ही हो गया। अच्छा, एक बंदा उनकी डेथ हो गई 110-112 साल की एज में, वो आए इधर तो सीजन नहीं था, इधर देखते हैं तो इधर था ही नहीं, डल ये बिल्कुल। अच्छा। इधर महल बना हुआ था, वो सीधे महल के बाहर दरबार ही बैठे थे सारा कुछ। वो चलते गए तो जब इधर जैसे पानी उनका फील हुआ डल में। अच्छा। तो तब जाके वो डल नजर आया, तब तक देखा। अच्छा, तब तक उन्हें लग रहा था महल है, महल है, इधर दरबारी बैठे हुए हैं सारा कुछ। एक प्रोफेसर आया था। अच्छा। तो यात्रा निकल गई, यात्रा निकलने के बाद वो आए कोई समझ लो 2 घंटे बाद, तो इधर से इतनी तेज सूरज की तरह गर्मी निकल रही थी कि उनको आंखों से दिखाई नहीं देने लगा काफी देर तक, ठीक है। फिर कोई 1.5 घंटे के बाद देखते तो उधर कुछ भी नहीं था। अच्छा। एक भेड़ चलाने वाला आया, उसने भेड़ों को नमक दिया, तो नमक देने के बाद वो पानी पीने के लिए दौड़ते हैं, जैसे इधर आए तो इधर देखते हैं सांप ही सांप, पानी है ही नहीं। उसने आके एक रिंग उतारी उसमें डाल दी, वो सांप सारे गायब हो गए। अच्छा। घर में गया तो बीबी से लड़ाई। अच्छा। तो उन्हें वो रिंग दी तो दी किधर, वो रहने वाला सुंगली बोलते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ दूध वाला पानी निकलता था, आज वो लोगों ने बंद कर दिया, उधर निकलता था। उधर गया तो लड़ाई हो गई थी घर में, बीबी से लड़ा था, आया तो उधर पानी लगा पीने, तो रिंग वो जल गया तो। अच्छा, वहाँ से रिंग वहाँ आ गई, वहाँ दूध वाला पानी मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, दूध वाला पानी निकलता।
अभी उधर मकान बना दिया। अच्छा वो मकान बना दिया। ना अंदर डाले मैं जोर से चेलो। हां एक वो होता है चेला जो तो काम पर ग्रानी देता था वो उधर से आया तो ग्रानी दे देते था सीधा तो अंदर डल में चला चला गया। चार दिन बैठे, पांच दिन बैठे, छह दिन बैठे, वो निकला ही नहीं। जब अगले दूसरे साल आए, दूसरे साल आए तो वो चेला निकला उधर से। जैसे वो उधर से निकला तो उधर से जाते जाते उनने किया कि वो उधर जाके वो कारपेंटर का काम करता था। तो उधर कारपेंटर का काम करता था, तो वो कारपेंटर का काम करते करते उधर उसको जो जैसे लगा होता ना मत बोलते मच, तो वो तक दुपट्टा जैसा बांध के कमर में कमर का, उन्हें ऐसी लकड़ी उठाई तो फसाई उसको, बोलता देख तुम्हें रास्ते में चलना है तो ये लेके जाना, तो ये तुझे रास्ते में कहीं आग शाग जलाने के काम आएंगी। तो उसने फसाई तो रास्ते में निकालते निकालते यार ऐसे वजन मेरे तो निकालने निकाले दो एक पीस फंसे रहे। जैसे वो ऊपर आए तो वो देखता वो सोना था। अच्छा। सोना था तो वो दूसरे अगले साल फिर चला गया। फिर वापस नहीं आया। लालू जैसे धन्यवाद जी। यहाँ से लोकल है, फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इन्होंने खाना खिलाया और यहाँ की स्टोरी बताई, मतलब यहाँ की क्या महत्वता है, क्या क्या हुआ है यहाँ से अभी तक। अभी आगे फिर जा रहे हैं। भंडारे वाले भाई सेवा कर रहे हैं, भंडारे में सेवा करने वाले लकड़ी ले जा रहे हैं, कितनी सारी लकड़ी उठा के ऊपर छतरी टॉप तक ले जा रहे हैं। और हम यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसी ट्रेल ऐसी लगती है जैसे कि आप श्रीखंड महादेव में थाटड़ू पार करके काली टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। और पीछे देखिए हमारे दोस्त जय शंकर महाराज हमारे साथी। यात्रा में पहली बार ऐसे पत्थर देखने को मिले हैं, नहीं तो बढ़िया हरियाली थी। यहाँ पे भी रास्ते में तो हरियाली है लेकिन साइडों में पत्थर है। यहाँ से कुछ टॉप पे जाना है, 4 किलोमीटर आ चुके हैं और 11:30 बजे का टाइम हो गया है। अभी टॉप पे आ गए हैं, यहाँ से घूम के उस पहाड़ी पे जाना है। अभी वहाँ का व्यू दिख रहा था लेकिन अभी फिर से दिखना बंद हो गया। हम क्या करते हैं जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं ना, थोड़ी सी चढ़ते फिर रेस्ट कर लेते हैं, चढ़ते चढ़ते रहते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं भागते, नॉर्मली एक पॉइंट पे आ के वहाँ सांस उतारते नहीं, कंटिन्यू चलते हैं। जैसे अभी फ्लैट टाइप से है इस पे चलते रहेंगे, थोड़ी दूर में तब तक चढ़ाई आएगी ना सांस उतर जाएंगे। अगर यहाँ पे बैठ गए ना फिर टाइम लग जाएगा। देखो अभी रास्ता दिख नहीं रहा था आपको, और भी पूरा रास्ता दिख रहा है, वो ट्रेल है। कह रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा चलना टेढ़ा, उसके बाद जैसे ऊपर वाला टॉप दिख रहा ना ऐसी एक चढ़ाई हो रहा है, 1 घंटा उस पर लगेगा, तो अपना 2 घंटे का रास्ता और रहेगा। देखते हैं बाकी, यार व्यू बहुत प्यारा। देखो जब आप कैलाश यात्रा कर रहे हैं और उसमें बर्फ ना दिखे तब तक यात्रा पूरी नहीं होती भाई। देखो वो पीछे भी था ना एक, वो अभी हम कर रहे हैं कैलाश कुंड, जो कि दो तरह से होता। तो एक जो छोटा ट्रैक है वो 7 किलोमीटर का बता रहे, 7 से 9 किलोमीटर का वो ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन से शुरू होती है जी जी। इसमें हम सोच रहे थे कि छोटा सा ट्रैक है जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी जैसे किन्नौर कैलाश में आपको बड़े बड़े बोल्डर देखने को मिलते हैं लास्ट पैच में, वैसे ही कुछ मिल रहा है। छोटा नहीं है किन्नौर बोले वैसे ही है। अभी उस रास्ते से आए थे और ये ऊपर बोल्डर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमसे ही लग रहा था कि सही रास्ता होगा, लेकिन फिर से बोल्डर शुरू हो गए। देखो लो जी पहुंच गए हैं, सामने हैं पवित्र कैलाश कुंड और इसके पास में भी 2-3 छोटे छोटे लेक टाइप से हैं, और रास्ता जाने का कुछ ऐसा है, थोड़ा सा और रास्ता रहता है यहाँ से। दस से 15 मिनट और लगेगी वहां तक जाने में,
सबसे पहले वहाँ जाके नहाएंगे, फिर परिक्रमा करेंगे और पूजा करेंगे, फिर कुछ खाने पीने का होगा तो खाना पीना खाएंगे और फिर वहाँ से वापसी कर देंगे नीचे की ओर। रास्ता देखो भाई, ये नीचे भी दो तीन कुंड है और ऐसा कुछ रास्ता है। अभी हम पहुँच गए कैलाश कुंड। कितना टाइम और लगेगा यहाँ से? 10 मिनट लगेगा। तो ये घोड़े का कितना चार्ज लेते हो आप ऊपर लाने का? 2000 रुपये एक साइड का या दोनों साइड का? एक ही साइड ऊपर का। और नीचे जाने का कितना है? 1500। नीचे जाने का 1500। कितना टाइम लग जाता है? इधर लगते हैं कोई 5-6 घंटे एक साइड। और उतरने में? उतरने में जो बंदा चढ़ेगा आराम से उसको। ओके भाई, धन्यवाद। पहुंच गए हैं भाई कैलाश कुंड। ये ऐसा कुछ कैलाश कुंड है, सामने आप देख सकते हैं। और एक मेन पॉइंट है, वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, नहाते हैं। अभी भाई हम कैलाश कुंड आ गए हैं। और यात्रा का आप लोगों को पता होगा, जो बिल्कुल नॉर्मल यात्रा होती है वो भी मुश्किल हो जाती है और मुश्किल यात्रा भी नॉर्मल हो जाती है। अब एक भाई है वो यहाँ पे एक्सीडेंट आएगा कल का, क्योंकि कल से ये भाई यहीं पे रुके हुए हैं और ये यहाँ के लोकल। क्या नाम भाई जी आपका? भाई मेरा नाम अखिल है। अभी बताओ भाई जी, अभी क्या बता? अभी कल यहाँ का जो मौसम बता रहा हूँ आपको, इतनी बड़ी ठंड हो रही है, यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि यहाँ पे रहना कल का बहुत मुश्किल था। मतलब हम कल अपना बता रहा हूँ, कल यहाँ पे खुद 8 बजे पहुँचा यहाँ पे, रात को 8 बजे पहुँचे और यहाँ पे मतलब कि कोई भी उतनी सुविधा नहीं थी, मतलब टेंट वगैरह की। हमने अपना टेंट लगवाया अंदर, तो अभी सुबह तक बता दूँ मैं आपको, बारिश और हवा बहुत ही थी यहाँ पे। 2 दिन से बता रहे हैं? दो दिन कल, मतलब कल वाला दिन जो है वो बहुत बुरा हाल था यहाँ पे बारिश से, और हवा भी बहुत चल रही थी। अभी थोड़ा मौसम ठीक हो गया आज यहाँ पे। हाँ आज नीचे भी आज ठीक है, बाकी पिछले रख लो कोई एक हफ्ता से आप बताओ मौसम ठीक है तो बारिश हल्की हो रही थी, पर कल के जो दिन था कल बहुत तेज बारिश हुई यहाँ पे। अभी पर ठीक है, अभी आप आओ, अभी यहाँ का ठीक ठाक है, मज़ा भी सब कुछ। तो परिक्रमा के काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? कोई सर आधा घंटा लग जाएगा आपको। आधा घंटा वो भी चलने के ऊपर, क्योंकि पत्थरों से है, पत्थरों से मतलब साइड साइड इसके पूरा इलाका घूमेंगे साइड। अभी तो यहाँ पत्थर छुप गए साइड वाले, पूरे पत्थर काफी थे यहाँ पे, अभी छुप गए बड़े। ओके अभी अभी पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया इस बार ज्यादा। अच्छा एक बार तो यहाँ पे ये डल छूट गया था, ये बढ़ गया था, भर गया था पानी। जो है ना किला मोहल्ला बोलते हैं एक जगह है, वहाँ पे ये पानी मतलब चढ़ गया था, आधा मतलब जैसे वो आए वैसे सारे चले गए, मतलब कोई किसी खाए नहीं सांप, मतलब इतने सांप थे यहाँ। अच्छा जी, अभी यहाँ पे वहाँ पे कहते काली मटर का डल है काफ़ी भरे हो, हम वहाँ पे हो गए अभी, वहाँ पे काला पानी बिल्कुल काला, बहुत अच्छा से सांप है, सांप तो देखा पानी देख लिया हमने। कितना टाइम लगता जाने में? 2-2.5 घंटे लगता है वहाँ ऊपर, है ना ऊपर अभी पीछे जाना पड़ेगा आपको। ओके ओके, वहाँ पे एक त्रिशूल है काफ़ी त्रिशूल बड़ा, उससे पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ पे काला पानी उसमें होते हैं सांप होता, हमने तो देखे नहीं, पर फिर वहाँ से वापस आ गए। अभी तो आप हर साल आते हैं दर्शन करने? हाँ सर, पिछले साल भी आते, साल अभी इस साल ही देख लिया हमने, कल का भी कुछ यहाँ पे लोकल है और भी जो पुराने हुए वो लगे बोलने बोलते हैं यहाँ पे कुछ किस तरह से कोई छेड़खानी की हुई है नहीं आते हैं। क्या कर दिया ना, मतलब क्या बता बोले पहुँच गए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजमा चावल का प्रसाद है और खट्टा आनंद। तो इस समय हमें कैलाश कुंड में और ये भाई हैं यहीं पे सेवा कर रहे हैं, और हमारे लिए स्पेशल ये क्या कहते हैं इसे, मैक्रोनी बना के लाए हैं, मतलब कह रहे हैं स्पेशल लेके आए, अभी बनाया खाना पड़ेगा, राजमा इतना टूट लिया है, चलो खाते हैं। धन्यवाद भाई, वे खाए तो ये भी खाने पड़ेंगे। मेरा भाई मेरी तरफ करना, मेरे से खाए नहीं जा रहे, अगर ये भाई वो खाएगा तो खा लिए, मेरा भी खाएगा, मेरा भी काम हो गया। तो कैसे लगी आपको मैक्रोनी? मजेदार, कैलाश कुंड पे मैक्रोनी किसी ने खाई नहीं? मैगी बनाई थी कॉफी में, पर वो अभी खत्म कर दिया, अभी ये बनाया अभी हमने, तो मतलब अपना पूरा सेटअप लेके आए पूरा सब, मतलब आपने अपने लिए बनाया है? अपने लिए नहीं, आपके लिए बना के लाया अभी हमने। नहीं नहीं मतलब वैसे आप पर्सनली लाए हो? हां सारा सामान अभी आपके लिए बनाया हमने। थैंक यू। एक मिनट, ये
शाम के 4:23 हुई है और अभी हम हैं पीछे देख सकते हो कैलाश कुंड में। यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, नहा लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे नहाया जाता है, वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं और सामने एक मंदिर है, यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। वहाँ पे लंगर की व्यवस्था, वहाँ पे आप खाना खा सकते हो। अभी बारिश हो रही है लेकिन हम यहाँ से अभी भी निकल रहे हैं। ये ऐसा कुछ कैलाश कुंड भाई, देख सकते हो। यहाँ पर रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, अगर आपको रहना तो यहाँ पे टेंट मिल जाते हैं 1,000-1,200 रुपये के। हम पूछा नहीं कि कितने रुपए के, लेकिन वो कहते हैं, कई बंदों से पूछा भी करते हैं, 1,000-1,200 रुपये लेते हैं। तो भी चल रहे हैं भाई यहाँ से, देखो मौसम बहुत ख़राब रखा है, देखते कितना टाइम लगेगा। उसके बाद मेरे को कैप्चर कर देना उसमें, ठीक है। आधी दूर पहुंच गया भाई और यहाँ पर यहाँ पे 1.5 घंटा होगा।